हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हल्दी वाली दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हम लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दूध आयुर्वेद मंत्रा वालों ने भी फॉलो किया था। आजकल जो बच्चे अस्वस्थ हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद है, पर स्वस्थ लोगों के लिए भी ये काफी बढ़िया दूध है। वो कभी बीमार नहीं होंगे। और अभी जो बदलता हुआ मौसम चल रहा है, शरद गर्म का, उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, इस दूध को आप लास्ट तक देखिए और अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम दूध बनाएंगे, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो है दूध, शहद यानी कि हनी, दालचीनी, एस्टिक, जायफल, इलायची और हल्दी। ये अखा हल्दी है जो खेत से ताजी निकाली हुई होती है। इसे कच्चा हल्दी भी कह सकते हैं। आजकल ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे पाउडर हल्दी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें एक पैन ले लेना है। गैस को हम ऑन करेंगे और सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पे आपको जितना ग्लास बनाना है उतना दूध ले लीजिए। हम दो ग्लास की तैयारी कर रहे हैं। पैन में हमने दो ग्लास दूध डाल रखा है। चलिए हम हल्दी की तैयारी कर लेते हैं। हल्दी को हम खुरचते हुए साफ कर लेंगे। इसकी ऊपर वाली परत जो होती है वो बहुत पतली होती है, तो हम एक छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से ऐसे हटा लेंगे। हमने हल्दी को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम एक ग्रेडर लेंगे और इसकी मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आपके पास कोई भी ग्रेडर हो, बारीक वाला या मोटा वाला, उसे ऐसे ग्रेट कर लीजिए। ये कच्ची हल्दी बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसी तरीके से हम हल्दी को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने हल्दी को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे। तो अपनी दूध गर्म हो चुकी है, इतने में हम इसे डाल देंगे और एक चम्मच की मदद से चलाते हुए हम दूध को उबालेंगे। ध्यान रहे, हल्दी डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे उबालना है चलाते हुए। जब तक अपना दूध में उबाला रहा है, तब तक हम दालचीनी को टुकड़ा में तोड़ लेंगे और ये वाली इलायची को हम एक खल में कूट लेंगे। आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। हम इसे हल्का सा ऐसे कूट के तब डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने दालचीनी और इलायची को दरदरा कूट रखा है। इसे हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। इससे कफ खांसी में काफी फायदा होता है। अभी जो कोविड चल रहा है, उसमें तो इसके फायदे का क्या कहना, हर घर में अब लोग जानने लगे हैं। तो इस दूध को आप भी जरूर बनाइएगा। हम दूध के साथ हल्दी के साथ इसे भी उबालेंगे। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तब तक हम जायफल को घीच लेंगे। हमने आधा जायफल ग्रेट कर लिया है, तो चलिए इसे भी हम दूध में डाल लेते हैं। तो अपने उबलते हुए दूध में जब हम जायफल डालते हैं तो इसका खुशबू और बढ़ जाता है। और जायफल के गुण का क्या कहना, ये तो बहुत फायदेमंद होता है सर्दी जुकाम खांसी में। ये कोरोना वायरस के लिए तो काफी फायदेमंद है। तो चलिए हम जायफल डालने के बाद भी दूध को उबाल लेते हैं। हमने दूध को 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए उबाला है। हल्दी की अच्छी खासी कलर भी आ चुकी है, यानी कि सारे इफेक्ट हल्दी के आ चुके हैं दूध में, और जितने हमने मसाले डाले थे उसके भी स्वाद आ चुके हैं। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से ग्लास में छान लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 ग्लास ले रखा है और स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना हल्दी वाला दूध तैयार हुआ है।
हमने दोनों ग्लास दूध को छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शहद यानी कि हनी। तो यहाँ पे आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर तो आप बिल्कुल मत डालिएगा, शक्कर हर तरह से हानिकारक है, पर आप गुड़ और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ यानी जागरी। तो हम एक एक चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के पीजिए। ये दूध बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बदलते मौसम के समय बच्चों को दोनों टाइम आप पिलाइए, आपके बच्चे पूरे ठंड भर हेल्दी रहेंगे और कोरोना जैसा वायरस भी इससे दूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।